हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की मेरी रेसिपी है ओट्स चीला। ओट्स चीला बनाने के लिए मैंने लिया है एक मीडियम साइज कैरेट चॉप्ड, ग्रीन चिली चॉप्ड, स्प्रिंग अनियन हाफ कप चॉप्ड, वन मीडियम साइज अनियन चॉप्ड, हाफ कप कैबेज चॉप्ड, वन टोमेटो चॉप्ड, वन कैप्सिकम चॉप्ड। थ्री टू फोर टेबल स्पून रवा, वन बाउल ओट्स। ओट्स को हम ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ऑयल टू कुक, तो चलिए इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। हमारा ओट्स अच्छे से ग्राइंड हो गया है, तो इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। सभी चॉप्ड वेजिटेबल्स ऐड कर लेते हैं। तीन से चार टेबल स्पून रवा ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब पानी डाल के अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। अगर बैटर आपको ज़्यादा थिक लग रहा है तो पानी आप थोड़ा और डाल लीजिए। मैंने गैस ऑन करके पैन गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है। ऑयल डालेंगे। अब इस बैटर को अच्छे से मिक्स करके पैन पे अच्छे से स्प्रेड करेंगे। इस तरीके से हम अच्छे से इसे स्प्रेड करेंगे। हमें इसे ज़्यादा थिन नहीं करना है। एक तरफ से अच्छे से कुक हो जाएगा, उसके बाद ही इसे टर्न करेंगे। हमारा चीला एक तरफ से कुक हो गया अच्छे से, तो चलिए इसे टर्न कर लेते हैं। अब इसे दूसरी तरफ से भी अच्छे से कुक कर लेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अब चीला हमारा लगभग पक चुका है। अच्छे से कुक हो गया है ये, तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। आप इसे अपनी पसंद की किसी भी चटनी के साथ खाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।